केआर के कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि वो सलमान भाई के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करें, या फिर अगर बात की जाए तो नॉट अपशब्द कह सकते हैं कि उनकी टांग खिंचाई। और अब ऐसे में मीराबाई चानू जब मिलने के लिए आई सलमान खान से, तो उसको लेकर भी केआरके ने एक तंज कसा है। आई गेस समझने वाले समझ गए होंगे और जो ना समझे वो अनाड़ी। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूं राहुल बोस के नाम से, वहां पे मुझे फॉलो करें। बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार कमाल आर खान सेल्फ प्रोक्लेम क्रिटिक क्या कहते हैं आखिरकार, कि आखिर कैसे उन्होंने जो है एक तीर से दो दो निशाने करे, जहां पे उन्होंने ये खबर भी दी कि सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू जो है वो मिली सलमान खान से और उन्हें एक ब्यूटीफुल शॉल भी गिफ्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दोस्तों उस पिक्चर को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि सलमान खान की पुरानी हिस्ट्री जो है आपके सामने आ जाती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो वैसे तो ये कल रात को ही मैंने खबर आपको बता दी थी कि मीराबाई जो है वो मिलने के लिए गई हैं और उन्होंने शॉल गिफ्ट किया है। ये टाइगर सेट पे है बेसिकली और सलमान खान ने उसको शेयर किया था, हैप्पी फॉर यू सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू, लवली मीटिंग विश विद यू, बेस्ट विशेस ऑलवेज। अब दोस्तों आपको बता दूं तो मीराबाई चानू और सलमान खान की ये जो बेसिकली फोटो है ये है, ठीक है, और इसमें शॉल जो बना हुआ है ये देखिए, समझ रहे हैं आप, ब्लैकबर्ग पोचिंग केस याद है आपको, तो ये उसी को लेकर केआरके ने इसी फोटो को बकायदा स्क्रीनशॉट खींचा सलमान खान का और उस चीज को गोला कर दिया ताकि लोगों का ध्यान आए कि आखिरकार ये क्या हुआ है। बताओ क्या कहना। सो दोस्तों केआरके कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि वो मीराबाई चानू और सलमान खान के प्रति जो है अपनी हेटर शो कर सके, और ऐसे में उन्होंने ये करा है। आपका रिएक्शन जरूर मुझे बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।